अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे, दुआ में याद करते होंगे। और अभी हम निकले हैं बावलपुर से, बावलपुर बाईपास से। तो रात हमने स्टे किया था मुजफ्फर भाई के घर, खाना वाना उधर ही खाया। फिर सुबह नाश्ता हंजला की तरफ से था। इंशाल्लाह हम निकले हैं सुबह 9:45 हो रही है अभी, तो इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे मुल्तान की तरफ। मुल्तान तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो इंशाल्लाह हम लोधरा से आगे जितना हो सका हम करेंगे। तो लोधरा तो मेरे ख्याल में बहुत करीब ही है यहाँ से। उम्मीद है आप दुआ करेंगे हमेशा, और मेरे लिए सपोर्ट करते रहें ताकि मैं ऐसे ही कामयाब होता रहूं। बहुत अच्छा लगा फैज़ान भाई आपसे मिलकर, सॉरी मुजफ्फर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे मुलाकात कर। आप बहुत अच्छे इंसान और मेहमान नवाज हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे रखे। आपने अच्छा वेलकम दिया मुझे, हिम्मत दी मुझे, दुआएं दी, इसके शुक्रगुजार हूँ मैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। थैंक यू सो मच हंजला भाई सुबह नाश्ता के लिए और बाईपास छोड़ने के लिए। उम्मीद है आप हमसे रब्ता ऐसे ही रखेंगे, ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा। ये सतलुज दरिया है, बावलपुर से निकले हैं आज हम, निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, निकले हैं पाकिस्तान के लिए, निकले हैं अपने पाक फोर्सेस के लिए, तमाम फोर्सेस के लिए। अभी हम पहुँचे हैं सतलुज, फिर लोधरा आएगा, फिर आएगा बस्ती मलूक, इंशाल्लाह वहाँ हम स्टे करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मुल्तान, अपना भाई घर, अपना भाई शहर मुल्तान, इंशाल्लाह वहाँ एक दिन स्टे करेंगे, आराम करेंगे, फिर इंशाल्लाह एक दिन के बाद फिर शुरू करेंगे। ये सूखा हुआ पानी बिल्कुल ख़त्म हो पड़ा है। है आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। उन सब का शुक्रिया ने अब तक मुझे सपोर्ट किया और आगे भी कर रहे हैं। वैसे तो कुछ लोग बहुत ख़ास हैं। रात हमने गुजारी बावलपुर मुजफ्फर भाई के घर, मुजफ्फर भाई का शुक्रिया, बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, मेहमान नवाज हैं, अल्लाह ताला उनको हम कामयाब करें और हमेशा खुश रहें अपनी लाइफ में। ऐसे ही हम मेहमान नवाजी करते रहें मुसाफिरों की, ऐसे टूरिज़्म को प्रमोट करते रहें। उम्मीद है आप दुआ करते रहेंगे और सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे, तबीयत ठीक होगी। और हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को शुक्रिया अदा करने के लिए निकले हैं। आज 24वां दिन है, हम बावलपुर से निकले हैं 9:30 बजे। अभी हम लोधरा पहुँचे, लोधरा क्रॉस करने लगे हैं। इंशाल्लाह उसके
उसके बाद हम बस्ती मलूक स्टे करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बस आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं सफ़र जारी रख सकूँ। आज बहुत गर्मी है, रात को हम हमने मुजफ्फर भाई के घर स्टे किया और खाना वाना भी वहीं खाया, और उसके बाद हम सुबह निकले नूर महल गए, और नूर महल से हंजला भाई के साथ नूर महल गए। वहाँ से फिर हम हंजला भाई को मैंने कहा कि मुझे बाईपास छोड़ दें, वो आए मुझे नाश्ता कराया, और नाश्ता उनके घर से करके हम सीधा बाईपास आए, और बाईपास से मैंने सफ़र शुरू किया 9:30 बजे और उसके बाद अभी 11:45 बज रही है, कोई 2.25 घंटे में हम पहुँचे हैं यहाँ, और 2.25 घंटे इसके बाद मज़ीद हमें अभी 8 से 9 घंटे या 10 घंटे लग सकते हैं यहाँ से बस्ती मलूक तक। इंशाल्लाह हम रात तक पहुँचेंगे और रात वहीं स्टे करेंगे, उसके बाद फिर मुल्तान की तरफ। अपना मुल्तान अपना भाई घर, मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था कब अपने घर पहुँचूँ, और एक अलग किस्म की खुशी होती है जब आप अपने घर जाते हैं, घर के करीब होते हैं। मुझे भी वैसी खुशी है, और कराची से पैदल चल के कल मैं अपने भाई घर मुल्तान पहुँचूँगा इंशाल्लाह। ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट, आपकी दुआओं की वजह से। उम्मीद है आज इसी सपोर्ट जारी रखेंगे, दुआ भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं बस्ती मोरू की तरफ। ये हम लोधरा से निकले हैं अभी ताज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग दोस्त ठीक होंगे। आज हम निकले हैं बहावलपुर से, इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे बस्ती मलूक। आज 24वां दिन है, और हम कराची से शुरू किया था हमारे सफ़र का नाम है पीसफुल पाकिस्तान, और कराची से खुंजरात तक इंशाल्लाह। आज हम कल रात हम मुजफ्फर भाई के घर रहे, उन्होंने अच्छी खिदमत की माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह उनको और तरक्की दे आमीन। और अभी हमें लोधरा से निकले हुए कोई 3.5 घंटे हो गए, तो इंशाल्लाह हम शाम या रात तक 8-9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे बस्ती मलूक इंशाल्लाह। अभी हम बैठे हैं रास्ते में आराम करते हुए, गर्मी है बहुत, धूप है बहुत ज़्यादा, और रास्ते में हमें 3-4 जगह आराम करना पड़ा, तो उसकी वजह ये थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि मुल्तान करीब आ रहा है और गर्मी भी बढ़ रही है। बस बाकी अल्लाह खैर करेगा, हम ये सफ़र जारी रखेंगे आपकी दुआओं से इंशाल्लाह। ये सफ़र है पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के नाम, जो जिनकी वजह से हम सुकून से रहते हैं अपने घरों में, उन सबको शुक्रिया अदा करने के लिए ये सफ़र शुरू किया है, और लोगों को बताना है कि हम पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, कदर है अपने मुल्क की, अपने पाक फ़ौज की इंशाल्लाह। ये सफ़र मैं उन तमाम उनको उनके नाम करता हूँ जिनके बेटे जिनके भाई शहीद हुए हैं इस वतन पर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे आमीन, और हमारा मुल्क हमेशा कायम दायम रखे कयामत तक, और हमारी पाक फ़ौज हमेशा बहादुर और लीडर रहे आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह हमारी बात होती रहेगी, मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।